हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं खेत में हूँ फिलहाल। रमेश का खाना लेकर के आया था और मैं करता हूँ सप्रे थोड़ा, क्योंकि अभी लगभग 12 बजे हैं तो 2-2.5 घंटे का समय मेरे पास। तो मैं जो जैविक तरीके से हम जो बनाते हैं ना, जो कीटनाशक, उसका छिड़काव गेहूँ में कराऊँ। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसके अंदर आप देखेंगे कीटनाशक। तो ये बिल्कुल देखिए इसमें कितने बैक्टीरियाज है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं फसलों के लिए। तो ये मैं अभी डाल लेता हूँ इसके अंदर, ताकि इसमें पहले से है शायद, ये देखिए पहले से डाला हुआ है इसमें। इसको थोड़ा और भर लेते हैं, इसका हम है गेहूं में छिड़काव करने वाले हैं अभी। ये जैविक कीटनाशक हमने ले लिया है जिसका छिड़काव हम गेहूं में करेंगे, उधर से करेंगे जहाँ पे कल पानी लगाया था। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, जो टंकी है स्प्रे करने वाली वो ट्रैक्टर पे रखी हुई है, टंकी लेंगे और छिड़काव करेंगे। रमेश लगा रहे हैं यहाँ पे पानी गेहूँ में, ये यहाँ पे पानी चल रहा है। रमेश खा रहा है खाना अभी। टंकी हमने ले ली है यहाँ पे, देख सकते हो पानी हमारे पास उपलब्ध है, अभी हम छिड़काव करेंगे इस गेहूँ में। ये हमारा जैविक कीटनाशक है इसके अंदर। गाइस हमने 3 टंकी डाल दी है गेहूं के अंदर, और ये जो सोलर आपको दिखाई दे रही है ना, इससे ठीक आगे तक हमने वो दवा डाल दी है। और ये दवा है ना, जो जैविक जो गौमूत्र से तैयार हमने करी है, वो कुछ इस प्रकार की है, देख सकते हो आप। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट दवाई रहती है ये, कोई भी फसल होता है। ये हम तकरीबन 400 ग्राम तक डाल देते हैं टंकी के अंदर, यानी ये 2 नाप है जो 200 ग्राम के लगभग। ये देखिए ये औषधीय पौधे ना, इनके पत्ते छन के जो आ रहे हैं ना, ये देखिए खाने के बाद ऊपर आ रहे हैं। इधर इतना गेहूं बाकी है, इधर इतना कर दिया है। तो ये चौथी टंकी है वो डाली जा रही है गेहूं के अंदर। इसमें जो सफ़ेद मच्छर है छोटे छोटे गेहूं के अंदर, जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन है, बहुत बारीकी से देखने से पता चलता है, वो मच्छर भी मारे जाएंगे और साथ में एक बूस्ट मिलेगा गेहूं को, गेहूं को जो बढ़वार करेगी गेहूं, साथ में जो कल्ले निकलेंगे और भी, यानी काफ़ी बेहतरीन काम करेगी ये जो गौमूत्र से बनाई हुई दवा है ना ये। ये जो पूरी लाइन है ना, इसमें कंप्लीट हो गया है, दवा छिड़क दी हमने और यहाँ पे पानी लगाया आज। तो कल इस गेहूँ में है ना, इधर सोलर वाली में, इसमें भी छिड़काव करेंगे। तो आज फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं छिड़काव। तो ये हो गया कंप्लीट, सिर्फ एक क्यारा रह चुका है, बाकी सारी कंप्लीट हो गई है। आप देख पा रहे हो दूसरा स्प्रे इसमें डाल रहे हैं हम, काफ़ी अच्छी जो गेहूँ है इसका बढ़वार हुआ है, इस गौमूत्र की जो दवा है, जो कीटनाशक है, इसके छिड़काव से। गाइस खेत से घर पर पहुंच चुका हूं, और देखिए गाइस जूतों का हाल देखिए, ये देखिए क्या हो गया है हाल। ओ भाई फट गया भाई जूते, तो नए लेकर आने पड़ेंगे। 500 रुपये दो मेरे को भाई, 500 रुपये, 500 रुपये क्या, 500 रुपये कौन है। हो भाई क्या करें, 500 रुपये क्या जूते लेकर आने हैं मेरे को। ये रो दिया, 500 रुपये किसी के पास है तो गाइस किसी के पास 500 रुपये नहीं है, मेरे को लेकर के आने पड़ेंगे। जूते फट गए, सर्दी अभी काफी बाकी है तो नए लेकर के आने पड़ेंगे गाइस। और फिलहाल यहाँ पे पशु अपना मस्त आराम कर रहे हैं, तो इनको सूखी तूड़ी तो डाल दी, अभी हरा चारा डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए सूखा भूसा डाल दिया है, देखिए यहाँ पे हरा चारा मिला। हो लेट हो रहे हैं, 3:20 हो चुके हैं, 3:30 तो बांध देते हैं यहाँ पर, जल्दी करो। तो गाइज नहा धो के एकदम रेडी रेड हो चुके हैं, और फिलहाल पशुओं को बांधने का काम शुरू करते हैं। हरा चारा मिला दिया, मिक्स कर दिया है,
तो अभी बांधना। ओए विष्णु, पशुओं को बंधाना है तेरे को, ठीक है? ओए ऐसे कैसे बंधा दूंगा? तो यार क्या करेगा तू? हम के 5:10 हो चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। सुबह से चल रही थी हवा तो, और अभी ज्यादा ही चल रही है हवा। तो फिलहाल जो पशु है वो अपना खाना पीना करे मस्त। अभी हम दूध निकालने वाले हैं पशुओं का। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और फिलहाल मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है, सुबह आपको 8 से पहले देखने को मिल जाएगा। आई होप आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। आज खेत गए हुए थे, गेहूं में जो जैविक कीटनाशक है वो डाल रहे थे ताकि गेहूँ थोड़ा बढ़वार भी करे और दाना आगे आने वाले समय में अच्छा बने। तो व्लॉग पसंद आया लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।